नायगढ़ अध्यापक अध्यापिकाएं और मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं आप सब लोगों के सामने उदय प्रकाश द्वारा रचित औरतें नामक कविता यहाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस कविता में औरतों की जिंदगी का वर्णन है। औरतें, वह औरत पर्स से खुदरा नोट निकालकर कंडक्टर से अपने घर जाने का टिकट ले रही है। उसके साथ जरा देर पहले बलात्कार हुआ है। उसी बस में एक दूसरी औरत अपनी जैसी ही लाचार उम्र की दो तीन औरतों के साथ प्रमोशन और महंगाई भत्ते के बारे में बातें कर रही है। उसके दफ्तर में आज उसके अधिकारी ने फिर मेमो भेजा है। वह औरत जो सुहागन बने रहने के लिए रखी हुई है करवा चौथ का निर्जल व्रत, वह पति या सास के हाथों मार दिए जाने से डरी हुई सोती सोती अचानक चिल्लाती है। एक औरत बालकनी में आधी रात खड़ी हुई इंतजार करती है अपनी जैसी ही असुरक्षित और बेबस किसी दूसरी औरत के घर से लौटने वाला अपना शराबी पति का। संदेह असुरक्षा और डर से गिरी एक औरत अपने पीटने से ठीक पहले बहुत महीन आवाज में पूछती है पति से, कहाँ खर्च हो गए? आपके पर्स में से तनख्वाह के आधे से ज्यादा रुपए। एक औरत अपने बच्चे को नहलाते हुए यूं ही रोने लगती है फूट फूट कर और चूमती है उसे पागल जैसे बार बार। उसके भविष्य में अपने लिए कोई गुफा या कोई शरण खोजती हुई। एक औरत के हाथ जल गए तवे में, एक के ऊपर तेल गिर गया कड़ाही का खोलता हुआ। अस्पताल में 1000% जली हुई औरत का कोयला दर्ज कराता है अपना मृत्युपूर्ण बयान कि उसे नहीं जलाया किसी ने, उसके अलावा बाकी हर कोई है निर्दोष। गलती से उसके ही हाथों फूट गई किस्मत और फट गया स्टाव। एक औरत नाक से बहता खून पोंछती हुई बोलती है, कसम खाती हूँ मेरे अतीत में कहीं नहीं था प्यार, वहां था एक पवित्र शताब्दियों लंबा आग जैसा धधकता सन्नाटा जिसमें सेक रही थी सिर्फ आपकी खातिर मेरी देख। एक औरत का चेहरा संगमरमर जैसा सफेद है। उसने किसी से कह डाला अपना दुखिया उसी से खो गया है कोई जेवर। एक सीलिंग की कड़ी में बांध रही अपना दुपट्टा उसके प्रेमी ने सार्वजनिक कर दी उसके फोटो और प्रेम पत्र। एक औरत फोन पकड़कर रोती है, एक अपने आप से बोलती है और किसी हिस्टीरिया में बाहर सड़क पर निकल जाती है। कुछ औरतें बिना बाल काटे बिना किने कपड़ों के बस अड्डे या रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है यह पूछती हुई कि किस गाड़ी में बैठना है, कहां जाना है इस संसार में। एक औरत हार कर कहती है, तुम जो जी में आए कर लो मेरे साथ, बस किसी तरह मुझे जी लेने दो। एक पाई गई मरी हुई बिल्कुल शहर के किसी पार्क में और उसके शव के पास बेटा रो रहा था उसका 1.5 साल का बेटा। उसके झोले में मिलती है दूध की एक खाली बोतल, प्लास्टिक का छोटा सा गिलास और एक लाल हरी गेंद इसे हिलाने से आंच भी आती है गुनगुनी जैसी आवाज। एक औरत तेजाब से जल गई है, खुश है कि बच गई है उसकी दाई आंख। एक औरत तंदूर में जलती हुई अपनी उंगलियां धीरे से हिलाती है यह जानने के लिए कि बाहर कितना अंधेरा है। एक पोछा लगा रही है, एक बर्तन मांझ रही है, एक कपड़े पचीट रही है, एक बच्चे को बोरे पर सुलाकर सड़क पर रोड़े बिछा रही है, एक फर्श धो रही है और देख रही है राष्ट्रीय चैनल पर फैशन परेड, एक पढ़ रही है न्यूज की संसद में बढ़ाई जाएगी उसकी भी तादाद। धन्यवाद।